तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो भाई यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे MI 10T Pro की। फुल अनबॉक्सिंग दोस्तों आपको इसकी दूंगा। और भाई, ये फ़ोन यहाँ पर 1.5-2 महीने पहले ही लॉन्च हो चुका है, तो लेट आ रही है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, इस फ़ोन में जो आपको स्पेशल थिंग मिलती है वो है 5G नेटवर्क, और ऊपर से यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें देखने को मिल जाता है। तो भाई, फटाफट से ज़रा इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या खास चीज़ें देखने को मिलेगी। तो भाई, आप देख सकते हैं कि इसका जो बॉक्स है कुछ ब्लैक एडिशन में आता है, और जैसे ही आप यहाँ पर खोलोगे तो यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन बाय शाओमी का एक बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कि आपको एक सिम इजेक्टर टूल और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। साथ में आपको कवर भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों, साथ ही साथ आपको यहाँ पर हेडफोन कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक टूल देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अपने MI 10T Pro की। तो भाई, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि इसकी हाईलाइट है। आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही यहाँ पर बात है दोस्तों। तो भाई, इसमें काफ़ी सारे जो फीचर्स है उसको मैं हम यहाँ पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले मैं आपको इसे ऑन करके बताता हूँ कि किस तरीके का ये यहाँ पर आपको UI देखने को मिलता है। और आप बैक साइड में देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर इसकी बैक डिज़ाइन है। थोड़ा दोस्तों कैमरा में बम्प है, लेकिन यार दोस्तों 108 मेगापिक्सल का कैमरा है तो इतना तो होना ही था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लासी लुक है, काफ़ी अच्छा फिनिश यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों, फ़ोन को रखते हैं यहाँ पर साइड में और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर जो इसमें केबल देखने को मिलती है वो दोस्तों Type-C देखने को मिल जाएगी, काफ़ी सही बात है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर चार्जर की, तो चार्जर जो आपको इस बॉक्स में देखने को मिलता है वो यहाँ पर एक फास्ट चार्जर है, और इसकी जो रेटिंग है वो यहाँ पर 33 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिलता है। तो 5000 बैटरी को दोस्तों ये यहाँ पर मेरे ख्याल से 1.5 से 1.25 घंटे में यहाँ पर पूरा कर ही देगा। तो भाई, देखते हैं कि ये फ़ोन में आपको और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसकी जो दोस्तों डिस्प्ले है उसकी बात कर लेते हैं पहले। दोस्तों, जो इसकी डिस्प्ले वो आपको 6.67 इंच की यहाँ पर फुल HD+ दोस्तों डिस्प्ले देखने को मिलती है। और भाई, यहाँ पर जो कलर्स है वो काफ़ी अच्छे डिस्प्ले में दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मल डिस्प्ले नहीं है यार दोस्तों, काफ़ी अच्छे वाली यहाँ पर डिस्प्ले का यूज़ किया गया है दोस्तों। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 144 Hz की रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन देखने को मिलती है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी आपको डिले देखने को नहीं मिलेगा स्क्रीन में, तो काफ़ी अच्छा दोस्तों ये फीचर है। और सीधे चलते हैं दोस्तों कैमरा UI की ओर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का आपको यहाँ पर कैमरा UI देखने को मिलता है। तो भाई, इससे एक दो शॉट आपको मैं दिखा देता हूँ लेकर कि कैसे निकल कर आएंगे। तो भाई, यहाँ पर बात करें इसके कैमरा की, तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मैक्रो सेंसर प्रोवाइड किया गया है। आपको दोस्तों यहाँ पर सेल्फी में 20 मेगापिक्सल की सुपर क्लीन सेल्फी देखने को मिलती है। और इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप यहाँ पर 8K तक दोस्तों वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ में आप स्लो मोशन वीडियोस भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। हम यहाँ पर दोस्तों जल्द ही करेंगे इस फ़ोन का कैमरा टेस्ट भी, तो दोस्तों इंतज़ार कीजिएगा, 2-3 दिन फुल कैमरा टेस्ट आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, आप कहते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात की एक दोस्तों, कितनी प्राइस पर यहाँ पर लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों, जो इसकी प्राइस है वो 40,000 से स्टार्ट होकर 48,000 तक है। तो दोस्तों, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो बेशक परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।